हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले मेरी लास्ट वीडियो में कि मैम झुर्रियों को कैसे ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि झुर्रियों का खात्मा कैसे करें। ये नुस्खा इतनी तेज़ी से झुर्रियाँ ख़त्म कर देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही गजब का उपाय है, चलिए देखते हैं। ये दुनिया का कड़वा सच है कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके चेहरे पर बुढ़ापा छलकने लगता है। इस बुढ़ापे को उजागर करने में आपके चेहरे की झुर्रियाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आमतौर पर ये झुर्रियाँ बुढ़ापे में नज़र आती हैं, लेकिन आजकल गलत खान पान और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खाने से और अत्यधिक स्ट्रेस की वजह से ये झुर्रियाँ पहले ही पनपने लगती हैं। यदि आपके चेहरे पर एक बार झुर्रियाँ आ गई तो फिर ये बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जाती हैं और आप वक्त से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। कई बार धूप के ज़्यादा संपर्क में आने से भी झुर्रियाँ होने लगती हैं। तो दोस्तों, इनसे कैसे बचा जाए ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। कुछ लोगों की त्वचा काफ़ी ढीली होती है, जिससे झुर्रियाँ तेज़ी से पनपती हैं। ऐसे में आपको अपनी त्वचा का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी त्वचा जितनी टाइट होगी, झुर्रियों को आपकी त्वचा पर आना उतना ही मुश्किल होगा। सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बल्कि आपके हाथ, गले के आसपास और पीठ की त्वचा पर भी झुर्रियाँ अपना घर बना लेती हैं। ऐसे में यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं या इसे अपनी त्वचा पर आने से रोकना चाहते हैं, तो आज आपका दिन बहुत अच्छा है। आज मैं आपको इन झुर्रियों की समस्या से निपटने का एक ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगी, जिसका फ़ायदा देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं होगा। चलिए जानते हैं झुर्रियों से छुटकारा पाने का घरेलू नुस्खा। देखिए दोस्तों, कैसे बनाते हैं इसे। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में आधा चम्मच शहद डालें। शहद हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे चेहरे पर मौजूद खराब बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है और साथ ही हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज भी करता है। शहद के बाद आप कटोरी में एक चम्मच ग्लिसरीन को मिला लें और एक चम्मच बादाम का तेल भी इसमें मिला लें। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, आपको आधा चम्मच शहद, एक चम्मच ग्लिसरीन और एक चम्मच बादाम का तेल लेकर तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप अंडा यूज़ करते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अंडा यूज़ करते हैं, तो एक चम्मच अंडे का सफ़ेद भाग भी इसमें मिक्स कर लें। और अगर आप अंडा नहीं यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, रहने दें, उन तीन चीज़ों का ही मिक्सचर बना लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा करने से आपकी त्वचा के रोम छिद्र अच्छे से खुल जाएंगे और ये नुस्खा अच्छे से काम करेगा। अब अपने चेहरे को टॉवल से सुखा लें और अब इस पेस्ट को उंगलियों से चेहरे पर लगाएं। आपको इस पेस्ट को लगाते हुए अपने चेहरे को 15 से 20 मिनट तक मालिश करनी है। इसके बाद 15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें और अंत में ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। ऐसा कुछ हफ्तों तक लगातार करते रहने से आपके चेहरे की झुर्रियाँ कम होने लगेंगी और स्किन भी टाइट हो जाएगी और कुछ टाइम बाद झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, देखा आपने, इस नुस्खे को आप यूज़ करें और दोस्तों ये काम आपको वीक में कम से कम 2 या 3 बार तो ज़रूर करना है। स्किन टाइट जल्दी करने के लिए आप एक काम और करें, डेली मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाएं। किसी भी टाइम आप इसे लगा सकती हैं, जो भी टाइम आपको सूट करे, सुबह, दोपहर, शाम। देखिए सुबह का टाइम दोस्तों बहुत अच्छा होता है। सुबह जब आप बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रहे होते हैं, उस वक्त आप उसको 2 मिनट लगते हैं अपने फेस पर अप्लाई करें और अपना घर का काम निपटाते रहें, बच्चों को रेडी करते रहें, और आधा घंटे बाद उसको धो लें, तो आपका टाइम भी उसमें नहीं लगेगा एक्स्ट्रा और आपका काम भी हो जाएगा। तो आधे घंटे या 15 मिनट तक आपको अपनी सुविधा के अनुसार इसे डेली अपने फेस पर लगाना है और फिर देखें चमत्कार। रियली इट्स अमेजिंग। ड्राई स्किन वाले 10 मिनट्स ही लगाएं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी से स्किन थोड़ी ड्राई होती है, बट ऑयली स्किन वाले आधा घंटे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको कितना फ़ायदा हुआ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये बहुत ही गजब का नुस्खा है और जितने लोगों को मैंने आज तक अपने आसपास के लोगों को भी बताया है, रिलेटिव्स को भी बताया है, सबको 100% फ़ायदा हुआ है। देखिए दोस्तों,
कुछ लोगों की स्किन बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, हम नहीं कह सकते कि शायद ही इन एनी वन केस में कि किसी को इससे फ़ायदा ना हो, लेकिन ये बहुत ही अचूक उपाय है, इससे 100% फ़ायदा होता ही है। आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखें और फिर मुझे बताएं। बाय बाय दोस्तों।